तो गाइस आज हम लेकर आए हैं फैब फिल्टर प्रो क्यू 3 के ऊपर एक इन डेप्थ मास्टर क्लास, क्योंकि बहुत सारे मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर्स इनफैक्ट हमारे ट्यूटोरियल्स में भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं और आप में से काफी लोग मांगते हो कि इसके ऊपर एक इन डेप्थ मास्टर क्लास बनाओ, तो आज वो मास्टर क्लास आ गई है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि फैब फिल्टर प्रो क्यू 3 इज एन इक्वलाइजर। इक्वलाइजर आपके डॉ में भी होता है स्टॉक, इनफैक्ट आपकी गाड़ी में भी होता है और आपके फोन में भी होता है। अब इक्वलाइजर होता क्या है? एक ऐसा प्लगइन या एक ऐसी यूनिट है जो आपकी साउंड के अंदर मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज का इंडिपेंडेंटली एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करने देती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक ट्रैक को प्ले करता हूं, EQ की मदद से हम चाहे तो अपनी बेस को भी बूस्ट कर सकते हैं, हम ट्रेबल को भी बूस्ट कर सकते हैं, हम मिड फ्रीक्वेंसीज को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम पूरी साउंड में से कोई भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड या वॉल्यूम इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस, इंडस्ट्री के अंदर फैब फिल्टर प्रो क्यू 3 को इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा और जबरदस्त एडवांस फीचर्स है। तो फटाफट से हमारी मास्टर क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप फैब फिल्टर का प्रो क्यू 3 को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक जिसको बोला जाता है इंटरैक्टिव EQ डिस्प्ले, और आपको एक और बार सा देखने को मिलेगा यहाँ पे जिसको बोलते हैं आउटपुट लेवल मीटर। तो एक बार मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ, तो आपको सुनाई देगा कि यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ, यहाँ पे बेस साउंड है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारी जितनी भी लो फ्रिक्वेंसीज है ना वो रिप्रेजेंट होती है, यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है हमारी मिड फ्रिक्वेंसीज जिसमें हमारे वोकल्स लाए करते हैं, और राइट साइड पे होती है हमारी हायर फ्रिक्वेंसीज रिप्रेजेंट। तो EQ के अंदर जो भी फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं वो सब तामझाम होने के बाद जो भी आउटपुट का लेवल है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो गाइस, इस पॉइंट से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि विजुअली फैब फिल्टर प्रो क्यू 3 क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, बैंड्स पे। तो गाइस, सबसे पहले हम ध्यान देंगे लाइन के ऊपर, और आप देखोगे या नोटिस करोगे लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस EQ के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट या सब्ट्रैक्ट नहीं करा गया है। और उसको करने के लिए मान लो आपको लो फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करना है, इन शॉर्ट बेस को बूस्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक बैंड चाहिए होगा। जब भी आप यहाँ पे माउस लेके आओगे तो आपको दिखेगा एक डॉट आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपने एक बैंड को क्रिएट कर दिया है, और उस बैंड के साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे टोटल नंबर ऑफ आप 24 बैंड क्रिएट कर सकते हो। 24 बैंड्स के बाद आपको वो और बैंड को क्रिएट करने नहीं देगा, तो हम एक सिंपल एक बैंड को क्रिएट करते हैं। और जैसे आप कोई भी बैंड को क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको एक फिल्टर मिलता है जिसका नाम है बेल फिल्टर, जो आपको दिख भी रहा हो एक बेल की शेप सा है। तो ये फिल्टर क्या करता है, आपकी कोई भी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। मान लो आप चाहते हो, यहाँ पे आप देख भी सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, 166 हर्ट्ज़। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके लिख देता हूँ 200, तो 200 हर्ट्ज़ पे हमने एक बेल का फिल्टर को लगाया हुआ है जिसके अंदर हमने गेन वॉल्यूम को इंक्रीज करा हुआ है 1.72 dB से। तो ये गेन की नॉब क्या करती है, आप उस बेल फिल्टर के अंदर कितना वॉल्यूम ऐड या फिर कितना एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना चाहते हो। और जैसे हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके 300 या फ्रीक्वेंसी टाइप करा था, वही सेम आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो और टाइप कर सकते हो 200, वो सेम ही जहाँ जो भी यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिख रहे हैं यही कंट्रोल्स एग्जैक्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फिल्टर्स आते हैं जिसपे हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, और इनफैक्ट आप यहाँ से भी आप मल्टीपल फिल्टर्स को चूज कर सकते हो। तो एक बार इस फिल्टर को हम अप्लाई करके देखते हैं और सुनकर देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो ये रहा बेल फिल्टर, और इसको क्लिक करके मैं ऐसे माउस से मूव कर सकता हूँ। अब इससे आप क्या समझ सकते हो कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बेल फिल्टर जो लगाया हुआ है हमने,
ये हमारी 50 हर्ट्ज़ ऑलमोस्ट यहाँ से जो भी फ्रिक्वेंसीज़ है उसको कट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, डक कर रहा है, और ऑलमोस्ट 2000 तक या 2500 3000 तक ये उन सारी फ्रिक्वेंसीज़ को डक कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। बट क्या वो हाई फ्रिक्वेंसीज़ को कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या वो लो फ्रिक्वेंसीज़ को कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ऐसी ही आपके EQ के अंदर मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं जो कि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको जानना है इन डेप्थ कि हर एक फिल्टर काम कैसे करता है तो ये वीडियो आ रही होगी, और ये वीडियो वो है जिसमें हमने एक्सप्लेन करा है EQ क्या होता है। तो सबसे पहले इसको जाके देख लेना, उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ऐसे ही हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं लो कट, और लो कट पर अगर मैं यहाँ पर चूज़ कर देता हूँ मान लो 500 500, तो लो कट का मतलब क्या है? लो फ्रिक्वेंसीज को कट करना। तो अगर 500 हर्ट्स यूज़ हो रखा है और लो कट हो रखा है तो 500 हर्ट्स के नीचे की जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं वो कट हो गई हैं, वो डिलीट हो गई हैं। सुनकर देखते हैं एक बार। सुनाई दे रहा है? बेस नहीं आ रही, क्योंकि बेस हमारी लो रीजन में होती है, और लो रीजन का मतलब हमारा 20 हर्ट्स, 30 हर्ट्स, 40 हर्ट्स, 80 हर्ट्स, वो सब डिलीट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लो कट फिल्टर लगा हुआ है। अगेन हम यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, 600 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हो 500 हर्ट्स, वो 500 हर्ट्स के नीचे लो कट कर देगा। ऐसे अब यहाँ पे चूज कर सकते हो हाई कट। और अब आप एक और नॉब पे ध्यान दोगे, वो है क्यू नॉब। अब क्यू नॉब क्या करती है? बेसिकली हर एक फिल्टर के साथ क्यू नॉब का थोड़ा काम इधर उधर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे गेन नॉब डिसेबल हो गई है, बट अगर अभी हम यहाँ पे 200 हर्ट्स पे एक हाई फ्रिक्वेंसीज को कट कर रहे हैं, हमारे वोकल्स, हमारी हाई हैट्स, हमारी छिन छिन साउंड सारी हाई फ्रिक्वेंसीज में लाया करती हैं, और 200 के नीचे की जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है वो तो हमारे पास है, बट 200 से ऊपर जितनी भी फ्रिक्वेंसीज थी वो हो गई है कट, डिलीट हो गई है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गेन का कोई नॉब नहीं है, बट अगर क्यू फैक्टर को मैं इंक्रीज करता हूँ, और इन शॉर्ट यहाँ पे हो क्या रहा है, 200 और 200 के जो आसपास की फ्रिक्वेंसीज है वहाँ पे हल्का सा बूस्ट आ गया है, हल्का सा गेन दे दिया गया है। और वैसे देखोगे तो यहाँ पे कोई गेन की नॉब डिसेबल कर दी गई है, क्योंकि इस फिल्टर के अंदर गेन नॉब का कोई काम नहीं होता, और किसी भी EQ में आप देखोगे तो हाई कट लोकल फिल्टर में आपको गेन नॉब डिसेबल्ड ही मिलेगा। और यहीं पे अगर आप बेल फिल्टर को यूज करोगे तो यहाँ पे क्यू फैक्टर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो गाइस अब आपको फिल्टर के नीचे एक और अलग से नॉब देखने को मिलेगी, 12 dB/OCT। इसका फुल फॉर्म है 12 dB, मतलब वॉल्यूम पर ऑक्टेव। मतलब अगर आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम करते हैं एक हाई कट, और मैं क्यू फैक्टर कर देता हूँ रीसेट 1 कर देता हूँ, और हम डीबी पर ऑक्टेव रख लेते हैं 12, और हाई कट कर देते हैं 100 हर्ट्स पे। तो अभी चूज हो रखा है एक हाई कट 12 dB पर ऑक्टेव पे। ऑक्टेव को इस तरह समझो, अगर हमने 100 हर्ट्ज़ पे एक हाई कट करा हुआ है तो इसका अगला ऑक्टेव होगा 200 हर्ट्ज़, ठीक है। अब देखना 200 हर्ट्ज़ पे अगर मैं यहाँ पे कहीं है 200 हर्ट्ज़, तो जब हम 100 हर्ट्ज़ से हाई फ्रिक्वेंसीज को कट कर रहे हैं तो 200 हर्ट्ज़ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे आ रहा है देखो 200 हर्ट्ज़, उसने लगभग 12 dB का गेन कम कर दिया, 12 dB का वॉल्यूम कम कर दिया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे डीबी पर ऑक्टेव को 6 कर दूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वो हाई फ्रिक्वेंसी को कट तो कर रहा है बट 200 हर्ट्स तक, अब वो -12 तक ज़्यादा हार्श नहीं काट रहा, बहुत स्मूथली काट रहा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट वो -6 dB का गेन रिडक्शन कर रहा है एक अगले ऑक्टेव तक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डीबी पर ऑक्टेव 6 dB पे चूज़ हो रखा है। और एक बार मैं इस डीबी पर ऑक्टेव को इंक्रीज करता हूँ और डिक्रीज करता हूँ, और आप सुनना कि साउंड में क्या चेंज आ रहा है।
अगर मैंने 72 dB पर ऑक्टेव कर दिया, इसका मतलब 100 हर्ट्ज और से थोड़ी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी, थोड़ी बहुत आगे की फ्रिक्वेंसी ही सुनाई देगी, बाकी सब उड़ा देगा। और फैब फिल्टर प्रो क्यू थ्री के अंदर एक एडवांस फीचर आता है हमारे पास, ब्रिक वॉल, जिसका मतलब 100 हर्ट्ज से बिल्कुल भी आगे की फ्रिक्वेंसी, इनफैक्ट 101 हर्ट्ज भी नहीं रखेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं हाई कट करता हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा dB पर ऑक्टेव चूज़ कर लेता हूँ, तो बहुत ही हार्श तरीके से वो कट करेगा साउंड को, कुछ इस तरह कि सिर्फ और सिर्फ बेस आ रही है, हल्के से भी मिड फ्रिक्वेंसीज आ ही नहीं रही। बट यहीं पे अगर मैं dB पर ऑक्टेव को कम कर देता हूँ, तो आपको थोड़ी बहुत हाई हैट, थोड़ी बहुत वोकल सुनाई दे रहे होंगे। फिर से dB पर ऑक्टेव को इंक्रीज करता हूँ, अब नहीं दे रहा। तो dB पर ऑक्टेव इन शॉर्ट क्या है कि आपको कितना हार्श कट करना है। इनफैक्ट अगर आप एक बेल फिल्टर भी यूज करते हो और अगर आप dB पर ऑक्टेव को इंक्रीज करते हो तो बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है। जितना ज्यादा dB पर ऑक्टेव को इंक्रीज करेंगे बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा। जनरली हम मिक्सिंग के अंदर जब तक कोई हार्श प्रॉब्लम नहीं आती, हम कम dB पर ऑक्टेव ही यूज़ करते हैं जनरली, जब तक कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं आ जाती। अब जैसे कि जस्ट थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि एक क्यू फैक्टर क्या करता है, एक बार वापसी से गेन को इंक्रीज करते हैं। कितनी स्पेसिफिक या बहुत प्रिसाइज होना है, ये कितना ब्रॉड करना है। सर घुमाए बजे वाला बीट बजे लोग सारे घुमाए फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस इधर लोग ताकि बीच में हाई हो गए बस दर हूं मैं ए मेरा तो हाई नहीं पाई नहीं लोग मुझे चूम मैं शाइनी शाइनी करे मेरा मुंह दिखता सब। जब भी कोई रिंगिंग या चुभने वाली फ्रीक्वेंसीज होती है एकदम प्रिसाइज एडिटिंग करने के लिए आप क्यू फैक्टर इंक्रीज कर सकते हैं। शाइनी शाइनी करे मेरा मुंह दिखता सब। अब ये क्यू फैक्टर तो आपने बहुत सारे EQs में देखा भी होगा, और नहीं देखा तो आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा। बट क्यू फैक्टर के अंदर फैब फिल्टर प्रो Q3 ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है जिसका नाम है गेन क्यू इंटरैक्शन। इस बटन को ऑन करते ही बेसिकली आपके फैब फिल्टर के जितने भी क्यू फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक एनालॉग कंसोल की तरह काम करने लग जाएंगे। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा गेन रिडक्शन करोगे, क्यू फैक्टर को अभी हम वापसी से 1 कर देते हैं तो ब्रॉड है, पर जब मैं बहुत ज़्यादा गेन कर लूँगा, बहुत ज़्यादा गेन कर रहा हूँ, तो आप नोटिस करोगे क्यू फैक्टर इंक्रीज़ हो चुका है 2.383 पे, जबकि मैं गेन को अगर कम करता हूँ तो देखो क्यू फैक्टर भी उसके साथ ही साथ कम भी हो रहा है। और फिर से जब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव में गेन लेके गया तब भी क्यू फैक्टर बढ़ गया, क्योंकि एनालॉग कंसोल के अंदर जब आप किसी भी बेल फिल्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गेन देते हो तो उनके क्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा नैरो होने लग जाते हैं। बट एक डिजिटल EQ के अंदर ये नहीं होता। बट अगर आप एक एनालॉग कंसोल टाइप का EQ वाला इफेक्ट इसमें भी चाहते हो तो आप गेन क्यू इंट्रैक्शन बटन को ऑन कर सकते हो और यही सेम इफेक्ट आपके फैब फिल्टर प्रो Q3 में भी आ जाएगा। इसको फिलहाल के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो बैंड के अंदर हमारे पास लास्ट ऑप्शन है स्टीरियो स्प्लिट। तो स्टीरियो स्प्लिट से क्या होता है कि आपने ये जो बैंड बनाया हुआ है ये अभी आपके लेफ्ट और राइट दोनों हेडफोन्स या स्पीकर्स पे इक्वली तरीके से काम कर रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लो फ्रिक्वेंसीज में बेस बढ़े और हाई फ्रिक्वेंसीज में बेस ना बढ़े, तो आप ये कैसे कर सकते हो, स्टीरियो स्प्लिट से यहाँ पे सिलेक्ट कर दो और चूज़ कर दो कि जो आपने अभी बैंड को क्रिएट करा है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट सिग्नल को इफेक्ट करे। तो अब जब मैं कुछ भी करूँगा आप देख सकते हो बेल पे एल बना आ गया, विच मीन्स कि आप जो भी ऑल्टरेशन या EQing करोगे वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट स्पीकर या लेफ्ट सिग्नल पे अप्लाई होगा। सर घुमाए बजे वाला बीट बजे लोग सारे घुमाए फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस इधर लोग ताकि बीच में हाई हो गए बस दर हूं मैं ए मेरा तो हाई नहीं पाई नहीं लोग मुझे चूम मैं शाइनी शाइनी करे मेरा मुंह दिखता सबको पर छू नहीं सकता कोई मैं नहीं हूं ये मेरा। आपको सुनाई दे रहा होगा लेफ्ट में पूरा सिग्नल खत्म हो गया मेरा हर गाना अब लूप पर रहता हवा। और यहीं पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके राइट कर दूंगा तो अब ये सिर्फ और सिर्फ राइट पे अप्लाई होगा। और आप यहाँ पे जाके एक और बैंड को क्रिएट कर सकते हो और उसको लेफ्ट पे चूज कर सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग EQ क्रिएट कर सकते हो। मान लो आप हाई फ्रिक्वेंसीज को इंक्रीज करना चाहते हो अपने लेफ्ट स्पीकर में या लेफ्ट सिग्नल में और बेस को इंक्रीज करना चाहते हो राइट में। प्रैक्टिकली ये काफ़ी ज़्यादा तब यूज़ होता है जब तबला वबला आप माइक से रिकॉर्ड करके जब हमारे पास मिक्सिंग के लिए स्टेम्स आती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें लेफ्ट सिग्नल जो होते हैं उसमें इतने हाइज नहीं होते तबले में और राइट में होते हैं या वाइसा वर्सा,
तो ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो बहुत बार जब हम मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो हमें स्टेम्स भेजता है उसमें जो कॉर्ड्स होते हैं, मे बी कई बार बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसमें लेफ्ट सिग्नल ज़्यादा ब्राइट होता है, राइट इतना नहीं होता, या फिर लेफ्ट सिग्नल ज़्यादा बूमी होता है, राइट इतना नहीं होता। तो उसको फिक्स करने के लिए हम ये स्टीरियो स्प्लिट को इस्तेमाल करते हैं। और स्टीरियो स्प्लिट के अंदर हमें दो और इंटरेस्टिंग बटन देखने को मिलते हैं, मिड एंड साइड। तो आप बैंड को क्रिएट करोगे, मिड चूज़ कर दोगे, तो अब क्या होगा, मिड का मतलब है सेंटर इन्फॉर्मेशन। तो आपके पूरे गाने में जो भी इन्फॉर्मेशन है जो सेंटर में है उस पे आप EQ अप्लाई करोगे। एक बार करके देखते हैं। सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग जरे घुमाए फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस इधर होता कि बीच में हाई हो गए बस दर हूं मैं। अब मैंने मिड फ्रीक्वेंसीज को हटा दिया तो सिर्फ गाना पूरा फैल गया। कोई मैं नहीं हूं ये मेरा भूत है, लेवल मेरा ऊपर है, आई एम डक से मौत को छू गए, मेरा हर गाना अब लूपर है, रहता हवा में पर मैंने नहीं सुपर है। अब हमारे मिड फ्रीक्वेंसीज में जो बेस है उसको बहुत इंक्रीज कर दिया। सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग जरे घुमाए फ्लो मेरा। और यहीं पे अगर हम साइड्स को चूज़ करेंगे तो अब जो भी EQ करेंगे वो मिड पे अप्लाई नहीं होगा, साइड मतलब वाइड वाली इन्फॉर्मेशन पे अप्लाई होगा। और वाइड या साइड इन्फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिवर्ब्स होती हैं जो कि वाइड बनाती हैं हमारे गाने को। तो आप जैसी मैंने हाई फ्रिक्वेंसीज को, तो आप नोटिस करोगे जैसी मैंने हाई मिड फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट करा, रिवर्ब उठ के अलग से सुनाई दे रही है। सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग जरे घुमाए फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस इधर लोग ताकि बीच में हाय खत्म हो गई इधर हूं मैं मैं रहता हाई नहीं पाई नहीं लोग मुझे छू मैं शाइनी शाइनी करे मेरा मुंह दिखता सबको पर छू नहीं सकता कोई मैं नहीं हूं ये मेरा भूत है। तो ये सारे ऑप्शन आते हैं आपके बैंड के अंदर, जिसके अंदर आप यहां से फिल्टर चूज कर सकते हो, यहां से कितना हार्श उसको अप्लाई करना है वो चूज कर सकते हो, किस फ्रिक्वेंसी पे और कितना ऑल्टर करना है वो चूज कर सकते हो, और क्यू फैक्टर भी चूज कर सकते हो कि कितना प्रिसाइज जाना है। और यहाँ पे राइट साइड से स्टीरियो प्लेसमेंट चूज कर सकते हो कि आपको सेंटर में अप्लाई करना है EQ, साइड इन्फॉर्मेशन पे अप्लाई करना है, या फिर लेफ्ट स्पीकर पे अप्लाई करना है, लेफ्ट सिग्नल पे अप्लाई करना है, राइट स्पीकर पे अप्लाई करना है। और बैंड के अंदर आपको दो और ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप यहाँ से अपने बैंड को ऑन और ऑफ कर सकते हो। और अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है डायनामिक EQing। तो प्रो क्यू 3 इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि आप अपने EQ के अंदर एक डायनामिक EQing कर सकते हो। अब डायनामिक EQing क्या होती है एक बार उसको समझ लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पे एक बैंड चूज करा। सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग जरे घुमाए फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस इधर लोग ताकि बीच में हाई हो गए बस दर हूं मैं मैं रहता हाई नहीं पाई नहीं लोग। और आपने हाई मिड फ्रिक्वेंसीज क्योंकि चुभ रही थी आपने डक कर दी। सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग वैसे भी चुभ नहीं रही है बट आपको करके दिखा रहा हूं मैं। सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग जरे घुमाए फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस इधर लोग ताकि बीच में हाई हो गए बस दर हूं मैं मैं रहता हाई नहीं पाई। अटैना जब वो तुम भी आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी चुभती है, बाकी टाइम साउंड नहीं चुभती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा कि जब ये तुम भी आए तो ये अपने आप डक कर जाए, या फिर जब भी तुम भी चली जाए तो ये वापसी से ऊपर चले जाए। तो इसको ऑटोमेट ना करना पड़े या फिर ये चीज़ ऑटोमेटिकली करे, इसी चीज़ के लिए हम डायनामिक EQing को यूज़ करने वाले हैं। और डायनामिक EQ को यूज़ करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको अगेन बहुत सारे फीचर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे शेप जो कि अभी हमने पढ़ लिया, स्लोप, डीबी पर ऑक्टेव जो कि जस्ट अभी हमने पढ़ा, स्टीरियो प्लेसमेंट जो कि जस्ट अभी हमने कवर करा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है मेक डायनामिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका EQ एक नॉर्मल EQ नहीं रहा, अभी एक डायनामिक EQ बन गया। और यहाँ से आप उसकी रेंज चूज कर सकते हो। मान लो हम रेंज को नीचे की तरफ लेके आते हैं कि जब भी साउंड बहुत ज़्यादा लाउड जाए तो वहाँ का EQ का बैंड डक हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेंज को चूज़ कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे आके हम चूज़ भी कर सकते हैं ये रही रेंज जो कि हम यहाँ से ही कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं और रेंज को लिख देते हैं -10। गाइस जो भी चीज़ पे मुझे टाइप करना है मैं जैसे उस नॉब पे जा रहा हूँ और डबल क्लिक कर देता हूँ -12 रेंज चूज होगी, डबल क्लिक कर दो गेन 0 तो आप उसको टाइप कर सकते हो। रेंज को सेट कर देते हैं -10 और एक बार साउंड को प्ले करते हैं। सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग। तो अब आपने ध्यान से देखा होगा कि EQ का जो कर्व है वो कभी कभी नीचे आ रहा है कभी कभी ऊपर आ रहा है कंप्रेसर की तरह, तो इसी को बोलते हैं डायनामिक EQing। बट अभी ये ऑटो का मतलब ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, खुद की एल्गोरिदम से समझ रहा है कि कब वो ज्यादा जा रहा है और मैं डक करूँ, कब वो ज्यादा नहीं जा रहा तो मैं डक ना करूँ। सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग जरे घुमाए फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस इधर लोग ताकि बीच में हाई हो गए बस दर हूं मैं मैं रहता हाई नहीं पाई नहीं लोग मुझे छू मैं शाइनी शाइनी करे मेरा मुंह दिखता सबको पर छू नहीं सकता कोई मैं नहीं हूं ये मेरा भूत है लेवल मेरा ऊपर है।
ध्यान से नोटिस करना, जैसे क्लैप आती है ना तभी वो डक करता है, क्योंकि क्लैप आती हाई मिड फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है और वो एकदम से डक कर देता है, क्योंकि अभी वो ऑटोमेटिक पे सेट है। सर घुमे बज जाला बीट बदल लोग सारे जुमे हैं फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस दे लोग ताकि बीच में हाई हो गए बस दर हूं मैं ए मेरा तो हाई नहीं भाई नहीं लोग मुझे चूम मैं शाइनी शाइनी करे मेरा मुंह दिखता सबको पर छू नहीं सकता। तो आई होप आपको रेंज समझ में आ गई होगी कि आप इसको कितना ज्यादा डक करना चाहते हो, या फिर आप रेंज को पॉजिटिव में भी लेके जा सकते हो, जिससे जैसी ही साउंड ज्यादा लाउड जाएगी उसको कम करने की जगह और ज्यादा लाउड कर देगा। सर घुमे बज जाला बीट बदल लोग सारे जुमे हैं फ्लो, फिर से नोटिस करना जैसे क्लैप आती है सिग्नल लाउड जाता है उसको वो और लाउड कर रहा है, क्यों? क्योंकि रेंज अब पॉजिटिव में है। बट अभी के लिए हम रेंज नेगेटिव में ही रखते हैं क्योंकि अभी हमें वॉल्यूम को रिड्यूस करना है, और यहाँ से ऑटो को ऑफ कर देते हैं क्योंकि आई होप आपको ऑटो समझ में आ गया होगा। और ऑफ करते ही यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका थ्रेशहोल्ड। अगर आपने कंप्रेसर को यूज़ करा है, नहीं करा तो ये वीडियो आ रही है जाके देखो कंप्रेसर समझो, तो जैसी हमारी साउंड थ्रेशहोल्ड से ऊपर जाएगी, इस एरिया की साउंड जैसे ही थ्रेशहोल्ड से ऊपर जाएगी ये डक करने लग जाएगा। अब देखो मैंने सेट कर दिया थ्रेशहोल्ड अपने हाथ से -10। जैसे वो क्लैप आ रही है वो थ्रेशहोल्ड से सिग्नल ऊपर जा रहा है, रेड हो रहा है, और एकदम से EQ डाउन जा रहा है। सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग सारे जुमाए फ्लो मेरा पैरेलल। तो आप बहुत प्रिसाइजली सुन सकते हो कि आपकी कौन सी रिंगिंग फ्रीक्वेंसीज हैं जो चुभ रही हैं। सर घुमाए मान लो यहाँ सेट कर दो सर घुमाए बज जाला तो टट 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 जब हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तभी डक कर रहा है। सर घुमाए बज जाला फिर देखो डक नहीं कर रहा, जब क्लैप आ रही है तब डक कर रहा है। बीच में हाई हो गए बस दर हूं मैं ए मैं सर सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग सारे जुमाए सर घुमाए बज जाला बीट बदल लोग सारे जुमाए फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस दे लोग ताकि बीच में हाई हो गए बस दर हूं मैं। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको प्रोसेसिंग मोड जो कि हम जस्ट थोड़ी देर में कवर करेंगे लीनियर फेज मोड पे होगा और उसकी क्वालिटी मैक्स या वेरी हाई होगी तो डायनामिक ईक्यूइंग काम नहीं करेगी। देखो सर घुमाए बज काम नहीं करेगी, और यहाँ पे एरर भी लिखा आ गया है कि हमारा डायनामिक ईक्यूइंग अब काम नहीं कर सकती क्योंकि लीनियर फेज मोड बहुत ज़्यादा हाई पे काम कर रहा है। तो गाइस डायनामिक ईक्यूइंग के अंदर हम एक लास्ट चीज़ को समझ लेते हैं जो कि है एक्सटर्नल साइड चेन। तो गाइस इस एग्जांपल को समझने के लिए हमने एक वोकल ट्रैक ले लिया और एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक ले लिया, एक बार उसको साथ में सुनकर देखते हैं। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब जब हमारे वोकल्स आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसीज ना डक हो जाए, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के ऊपर प्रो क्यू 3 को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब वोकल्स आए तो ये डक कर जाए, तो हम हमारे प्रो क्यू 3 के अंदर साइड चेन का एबल्टन में ऑप्शन है। अब यही सेम चीज़ FL में कैसे कर सकते हैं हमने इन दो वीडियोस में भी एक्सप्लेन करा है, आप जाके देख सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो प्रो क्यू 3 लगा हुआ है उसके साइड चेन ऑप्शन पे मैं जाके हमारे मेन वोकल को चूज़ कर देता हूँ, और एक बार हम साथ में प्ले करते हैं दोनों को। तो एक बार हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के ऊपर जो प्रो क्यू 3 लगा हुआ है उसके साइड चेन में जाके हम मेन वॉक्स को चूज कर लेते हैं जो कि हमारे मेन वोकल्स हैं। और अब हम एक्सटर्नल साइड चेन को समझने के लिए यहाँ पे एक डायनामिक ईक्यू को क्रिएट करते हैं, और उसको क्रिएट करने का शॉर्टकट है, अगर आप मैक यूज करते हो तो ऑप्शन, विंडोज यूज करते हो तो ऑल्ट, होल्ड करो और एक बैंड को क्रिएट कर दो, अपने आप एक डायनामिक ईक्यू क्रिएट हो जाएगा। ऑटो से हटाते हैं, एक्सटर्नल पे डालते हैं। अब जैसे ही मैंने ये ब्लू बटन ऑन कर दिया एक्सटर्नली हमें मेन वोकल से एक इनपुट आ रहा है, तो अब क्या होगा जब जब वोकल जाएंगे तो यहाँ पे एक सिग्नल आएगा। आप नोटिस करोगे ये वोकल का सिग्नल है। जैसी वोकल खत्म हुई नीचे चला गया, तो मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट कर दूंगा कि जैसी वोकल इस थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये फ्रीक्वेंसीज डक हो जाएगी,
इससे क्या होगा, वोकल्स के लिए स्पेस क्रिएट होगी। और ये थोड़ी एडवांस ट्रिक्स हैं, तो आप हमारी बहुत सारी वीडियोस आ रही है वो चेकआउट कर सकते हो इसको समझने के लिए। आप नोटिस करो जैसी वोकल आएंगे ये डक करेगा, देखो डक कर रहा है। फिर से वोकल आएंगे, अभी कुछ नहीं हो रहा, वोकल आए डक हो जाएगा। रेंज चूज कर सकते हो कितना डक करना है, ज्यादा डक करा दोगे तो इंस्ट्रूमेंट ही उड़ जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। हल्का सा डक कराते हैं। तो इस तरह आप एक्सटर्नल साइड चेन बटन को यूज कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है सोलो मोड। तो जब भी आप किसी बैंड को क्रिएट करते हो तो आप उसको पर्टिकुलरली यहाँ से सोलो भी कर सकते हो इस बटन पर क्लिक करके। तो सोलो का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी का बैंड हमें सुनाई देगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी। और सोलो मोड के अंदर यहाँ पे आप और भी ऑप्शंस को देख सकते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन, मान लो यहाँ पे 400 सेट कर देता हूँ तो ये बैंड अगेन 400 पे आ जाएगा, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने कवर करा। अगर हमें इस फिल्टर के अंदर गेन देनी है, मान लो 5 dB का गेन देना है, वॉल्यूम बढ़ानी है, वो आप चूज़ कर सकते हो। आप कंट्रोल होल्ड कर सकते हो विंडोज़ के अंदर, या कमांड होल्ड कर सकते हो मैक के अंदर। और फिर अगर आप सोलो बटन पर क्लिक करके कुछ भी मूव करोगे तो आपका क्यू फैक्टर चेंज होगा। अगर आप कमांड या कंट्रोल नहीं होल्ड करोगे या छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखो अब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ माउस को सिलेक्ट करके, कुछ नहीं हो रहा, बट यहीं पे अगर मैं कमांड या कंट्रोल होल्ड करता हूँ तो इसका क्यू फैक्टर चेंज होगा। यहाँ से आप फिल्टर भी चूज़ कर सकते हो, हाई कट, लो कट, बैंड पास, लो शेल्फ, हाई शेल्फ, टिल्ट शेल्फ, फ्लैट टिल्ट। अब बात करते हैं हमारे बेसिक कंट्रोल की। तो आपको यहाँ पे बेसिक ऊपर कंट्रोल्स देखने को मिल रहे होंगे, जिससे आप यहाँ पे कोई भी बैंड या ईक्यू का शेप क्रिएट कर सकते हो। तो मान लो हम हल्की सी ईक्यूइंग करते हैं हमारे ट्रैक के ऊपर, और आपको लग रहा है कि आप एक और ईक्यूइंग भी ट्राई कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ए बी स्विच पे जा सकते हो, इस पर क्लिक कर सकते हो। और बी के अंदर में भी आप, और बी के अंदर में भी आप ऐसा कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। दो ये अच्छा नहीं लग रहा, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए। बी पे ये हो रखा है, ए पे ये हो रखा है, तो आप ए बी कर सकते हो कि कौन सा ई क्यू का फिल्टर आपके गाने के ऊपर ज्यादा अच्छा सूट कर रहा है और किसको आपको यूज करना चाहिए। जैसे ये बी बहुत बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बट ये स्टिल बेटर साउंड कर रहा है बी से। तो आप इसको कॉपी पे जैसे क्लिक करोगे ना, जैसे आपने कॉपी पे क्लिक करा तो कॉपी का जो बटन है वो हाइलाइटेड था, वो हट चुका है। अब बी के अंदर भी सेम ही चीजें आ चुकी है। अब बी में आप कुछ ऑल्टरेशन कर सकते हो, मान लो फिर से देखो कॉपी का बटन ऑन हो गया। अगर आप बी पे क्लिक करके कॉपी करोगे तो ए के अंदर भी वो सारी चीजें आ चुकी है। तो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो ए और बी के अंदर, और साथ ही साथ आप कॉपी भी कर सकते हो ए की सेटिंग्स बी में, बी की सेटिंग्स ए में। अब बात करते हैं हमारे रीडू और अंडू ऑप्शंस की। मान लो आपने यहाँ से कुछ ईक्यूइंग करी, बट आपने कुछ गलती कर दी, तो अगर आपको अंडू करना है कुछ भी तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और बैक आ सकते हो। और अगर आपको कुछ भी रीडू करना है तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक कर सकते हो रीडू बटन पे। अब राइट साइड आप देखोगे यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट सेटिंग्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स देखने को मिलेंगे। दो हम प्रीसेट्स को यूज़ नहीं करते, दो क्रिएटिव प्रीसेट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फ़ोन का प्रीसेट है, तो जैसे आप इसमें से कोई साउंड को पास करोगे तो ऐसा लगेगा फ़ोन में से आ रही है। ऐसे प्रीसेट्स को आप यूज़ कर सकते हो, बट मान लो आपको एक प्रीसेट दे दिया ड्रम्स का। अब डेफिनेटली एक ड्रम के लिए ही बना है प्रीसेट, बट आपके ड्रम्स पे अच्छे से काम करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ से आप प्रीसेट्स को चूज़ कर सकते हो।
सर घुमे बज जाला बीट पे लोग जरे झूमे फ्लो मेरा पैरेलल स्पेस दे लोग ताकि बीच में हाई होके बजता रहूं मैं ए मेरा बेसिक हाई कट ब्रेक हाई शेल सबको पर छू नहीं सकता कोई मैं नहीं इन सबको क्रिएट कर सकते हो बेसिकली जो आप अंदर बैंड्स में क्रिएट कर रहे थे यहां ऑलरेडी क्रिएटेड है क्योंकि अब आपको इतनी सारी नॉलेज है तो आपके लिए प्रीसेट यूज करो या ना करो कोई मतलब नहीं क्योंकि आप खुद भी ये प्रीसेट्स को डिजाइन कर सकते हो इतनी नॉलेज अब आपको आ गई है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लीन कर देते हैं सर घुमे बज जाला बीट पे लोग जरे झूमे फ्लो। तो गाइस अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट बटन के ऊपर जो कि हेल्प बटन। तो अगर आप किसी भी नॉब के ऊपर अपना माउस रखोगे तो हेल्प बटन आपको एक छोटी सी इन्फो देगा और वो देगा सिर्फ और सिर्फ तब जब आपका शो इंटरैक्टिव हेल्प हिंट्स ऑन होगा। जैसे आप इस पर टिक मार्क करोगे और अब किसी भी चीज़ पे माउस रखोगे तो आपको एक छोटा सा इन्फो दे देगा कि वो नॉब करती क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा शो EQ पैरामीटर डिस्प्ले। जैसे आप इसको चेक मार्क कर दोगे जैसे आप माउस अपने बैंड पे लेकर आओगे तो आपको एक हल्का सा यहाँ डिस्प्ले देखने को मिलेगा बट अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो वो डिस्प्ले नहीं आएगा। अगला है शो फ्रिक्वेंसीज ऑन हवर। इसका मतलब ये अगर देखो मैं माउस यहाँ लेके जा रहा हूँ तो नीचे कोई भी फ्रिक्वेंसीज नहीं आ रही बट अगर इस पर मैं चेक मार्क कर देता हूँ तो जब भी मैं माउस लेके हवर करूँगा तो देखो दिख रहा है मेरा माउस 72.32, 72.01 यहाँ पर है। तो अगर आप किसी भी बैंड को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हो तो आप देखोगे वो फैफिल्टर प्रो Q3 से ऊपर निकल गया। अगर आप इस चीज़ को चेक कर देते हो तो जैसे ही आप इससे ऊपर जाओगे तो फैफिल्टर प्रो Q3 अपना स्केल को चेंज करता रहेगा। यहाँ से आप स्केल को ऑल्टर कर सकते हो। इसको आप 12 dB भी रख सकते हो, इसको आप 6 dB भी कर सकते हो, इसको आप 3 dB भी कर सकते हो। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, अगर आप बहुत ही फाइन एडिटिंग करना चाहते हो तो अगर आप इतना कट करोगे तो आप ऑलमोस्ट 3 dB का गेन रिडक्शन कर रहे हो बट यहीं पे अगर मैं इसको 30 dB के ग्राफ पे देखूंगा तो ये बिल्कुल भी हल्का बहुत ही सटल कर्व लगेगा बट इसी चीज़ को अगर मैं 3 dB के ग्राफ में देखूंगा तो बहुत ही ज़्यादा जूम इन कर दिया उसने। तो उसके ग्राफ को अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली चेंज हो तो हेल्प में आपको ऑटो एडजस्ट डिस्प्ले रेंज ऑन होना चाहिए और यहाँ पे थोड़े बहुत और फीचर्स है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको राइट साइड एक फुल स्क्रीन बटन देखने को मिलेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका EQ आपके पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वापसी से छोटा हो जाएगा। और आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जूम इन को भी यूज कर सकते हो। अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज लिखी है, इस पर क्लिक करोगे और माउस को आगे की तरफ मूव करोगे तो ये जूम इन कर रहा है और यहाँ से पीछे की तरफ मूव करोगे तो ये जूम आउट कर रहा है। तो यहाँ से भी आप बहुत ही ज़्यादा जूम इन करके एडिटिंग करके जूम आउट आ सकते हो। और अगर आप फैफिल्टर प्रो Q3 का बॉटम सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं और अब इन चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बटन है वो है पियानो डिस्प्ले बटन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज लिखी है 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz ये हट जाएंगी और यहाँ पे पियानो बना जाएगा। अब पियानो और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, इसके लिए आपके सामने ग्राफ आ रहा होगा जिसपे आपको दिख रहा होगा कि पियानो की हर एक नोट C, C#, D, D#, E, F इन सारी नोट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए मान लो अगर आप यहाँ पे जाते हो और चूज करते हो D#4 और डबल क्लिक करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 311.13 Hz। और जैसे आप यहाँ पे आओगे C#7 इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि C#7 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2217.5 Hz। तो ऐसी हर एक नोट की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, एक बार सुनकर देखते हैं गाने को। सर घुमे बज जाला बीट पे दिल, कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बस वो जो ग्राफ अभी आपने देखा ना उसी को इस फैफिल्टर प्रो Q3 के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। मान लो मैं देखना चाहता हूँ ये जो टंग 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 साउंड बज रही है तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब लिखा आ गया D#6। ये D#6 के अराउंड नोट प्ले हो रही है और यहीं पे अगर मैं पियानो डिस्प्ले बटन ऑफ कर दूंगा तो आपको वो नोट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपको ये चेक करने के लिए कि अगर आपकी स्नेयर जो है वो टोन में है या नहीं, या फिर आपकी जो किक आप यूज़ कर रहे हो वो टोन में है या नहीं, तो आप इससे आपकी फ्रिक्वेंसी और कीबोर्ड का रिलेशनशिप देख सकते हो। और इन फ्यूचर आप कोई भी ट्यूटोरियल देखोगे उसमें ये चीज़ की बात करी जाएगी, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो ट्यूटोरियल समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा बटन है वो है मिडी लर्न बटन और इसकी मदद से आप एक्सटर्नल मिडी कंट्रोलर्स को अपने फैफिल्टर के प्रो Q3 से कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं हमारा पुश को ऑन कर देता हूँ और मान लो और हम फैफिल्टर प्रो Q3 को एक मिडी ट्रैक पर डाल देते हैं क्योंकि उसी पे ही हमें एक मिडी सिग्नल मिलेगा। मैं कोई भी एक बटन प्रेस करता हूँ, खाली बटन, देखो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है। आपको बस ना मूव बटन मूव करने से, देखो मैं बटन प्रेस करता हूँ आपको देखिएगा यहाँ बत्ती जल रही है,
इसका मतलब ये इसके अंदर एक सिग्नल आ रहा है, अब इस पर क्लिक कर सकते हो। और मान लो मैं इस ऑन ऑफ बटन से लिंक करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस ऑन ऑफ बटन पर क्लिक करूँगा एक रेड स्क्वायर बनाएगा और उस बटन पर क्लिक करता हूँ, उस बटन का कोड है 103। अब क्या हो गया, इससे लिंक हो गया। अब इसको करते हैं डन, इस बैंड पे आता हूँ। अब जब भी मैं इसको प्रेस करूँगा तो देख रहो वो सोलो हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो जब भी मैं कोई बैंड को क्रिएट करूँगा तो यहाँ से मैं उसका ऑन ऑफ बटन को टॉगल कर सकता हूँ, जैसे ही मैं वहाँ पर बटन को प्रेस करता हूँ। तो मिडी लाइन से आप एक्सटर्नल कंट्रोलर को भी लिंक कर सकते हो अपने FabFilter Pro Q3 के साथ। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की प्रोसेसिंग मोड्स की। तो जब भी आप कोई भी EQ अप्लाई करते हो, चाहे वो आपका स्टॉक प्लगइन हो, चाहे वो एक एनालॉग प्लगइन हो, चाहे वो FabFilter Pro Q2 हो, 3 हो या आगे आने वाला 4 हो, तो वो एक पर्टिकुलरली प्रोसेसिंग मोड पे काम करता है। तो FabFilter Pro Q3 के अंदर यहाँ पे 3 प्रोसेसिंग मोड है, एक है जीरो लेटेंसी, एक है नेचुरल फेस और एक है लीनियर फेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जीरो लेटेंसी की। तो जीरो लेटेंसी एज द नेम सेज कि जब भी आप इसको कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो आपको कोई लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी। जिसका मतलब ये है, अगर आप कुछ भी EQing करते हो और यहां से मैं प्ले करता हूँ, आप देख रहे हो जैसे ही मैं प्ले कर रहा हूँ साउंड बिना ही डिले के, बहुत ही मिनिमल डिले जो कंप्यूटर से आ रहा होगा उसके साथ हमें साउंड आ रही है। मान लो आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हो, वहां पे आपको एक EQing अप्लाई करनी है और वहां पे आपको वोकल्स पे EQing अप्लाई करनी है और एक ड्रमर भी है, गिटारिस्ट भी है, और अगर आप वोकलिस्ट पे EQ को अप्लाई कर देते हो और उस पर हल्का सा भी डिले आ जाता है, लेटेंसी आ जाती है, तो सोचो पूरा का पूरा गाना जो लाइव परफॉर्मेंस में बज रहा है वो सिंक से बाहर हो जाएगा। तो जीरो लेटेंसी मोड के साथ हमें सबसे बेस्ट चीज़ ये देखने को मिलती है कि हम जो मर्जी EQing कर ले हमें बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। बट जीरो लेटेंसी के साथ यहीं पे एक डिसएडवांटेज भी आता है कि जब भी आप ऐसे बहुत सारे कर्व्स को इनिशिएट करते हो या क्रिएट करते हो अपने EQ के अंदर, तो उन कर्व्स को क्रिएट करने की वजह से फेस शिफ्ट भी आ सकता है या फिर फेस डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, जिसको हम थोड़ी सी देर में समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने किक की साउंड को ऐड कर दिया, यहाँ पे अब एक लो कट करते हैं और मान लो हम एक लो कट करते हैं 22 Hz पे। उसका dB पर ऑक्टेव बढ़ा देते हैं, लाइक अगर आप एक इंटरमीडिएट हो या प्रो हो तो आपको सुनाई दे रहा होगा, अगर आप बिगनर हो तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज़्यादा, बट अगर आप फोकस करोगे तो लो फ्रिक्वेंसी में ये जो मैंने कट करा है ना, इस वजह से एक डिस्टॉर्शन या एक अजीब सा किक, बहुत ही रफ सी साउंड करने लग गई है। तो जिस तरह आपके एनालॉग EQing के प्रोसेसिंग मोड्स होते हैं एग्जैक्ट वैसे ही जीरो लेटेंसी भी काम करता है, और जैसे एक एनालॉग EQ बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं देता है वैसे जीरो लेटेंसी मोड भी बिल्कुल भी लेटेंसी आपको नहीं देगा। एक डिसएडवांटेज है, फेस शिफ्ट को क्रिएट कर देता है जिसके साथ कभी कभी फेस डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, जैसे अभी के केस में हमारी किक थोड़ा लो एंड में अजीब सी साउंड कर रही है। अब इसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करा गया जो कि है नेचुरल फेस। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसिंग मोड है वो है नेचुरल फेस, जो कि बहुत हद तक जीरो लेटेंसी मोड जैसा ही है। उसका सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग मोड ही नहीं, इनफैक्ट जो फेस के कर्व्स हैं वो भी एकदम एनालॉग EQ के तरीके से ही काम करता है। और नेचुरल फेस के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो एकदम साउंड को नेचुरल रखता है। आप एक ग्राफ को देख सकते हो जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें जीरो लेटेंसी मोड से हमने एक बेल फिल्टर को क्रिएट करा हुआ है और नेचुरल फेस मोड से भी हमने एक बेल फिल्टर को क्रिएट करा हुआ है, और आप देख सकते हो हाई फ्रिक्वेंसीज में एक हल्का सा स्पाइक हो रहा है, जबकि एक्चुअल में बेल फिल्टर में हमने वो क्रिएट करा नहीं हुआ, बट यहीं पे नेचुरल के अंदर देखोगे तो वो स्पाइक नहीं है। इसलिए
नेचुरल फेज जो है वो जस्ट एक इम्प्रूव्ड वर्जन है आपका जीरो लेटेंसी मोड का। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट प्रोसेसिंग मोड की, जो कि है लीनियर फेज प्रोसेसिंग मोड। इस प्रोसेसिंग मोड के साथ आपको जो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें वो फेज शिफ्ट या वो फेज डिस्टॉर्शन के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये इसीलिए बनाया गया है कि जब भी आप कोई भी EQ कर्व करो या लो कट करो, हाई कट करो या फिर लो फ्रिक्वेंसीज में कुछ भी ऑल्टरेशन करो, आपके ट्रैक पे EQ तो अप्लाई होगा बट वो फेज डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लो मोड जो हमारा लीनियर फेज के अंदर वो इतना अच्छा काम नहीं करता है लो फ्रिक्वेंसीज पे, यहीं पे मीडियम और हाई काफी अच्छा काम करते हैं हमारे लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर भी, और वेरी हाई और मैक्सिमम तो और ज्यादा अच्छा काम करते हैं हमारे लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर भी। तो अगर हम इसको मीडियम पे चूज करते हैं और फिर से एक लो कट करते हैं, काफी क्लियर है अगर आप इसको कंपेयर करोगे जीरो लेटेंसी से। बहुत ही सटल डिफरेंस है, बट वो जो हल्का सा एक फेज डिस्टॉर्शन या हल्का सा फेज शिफ्ट की वजह से किक अजीब सी हो रही थी ना, वो लीनियर फेज में नहीं हो रही है। बट लीनियर फेज के साथ हमारे पास दो डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला ये, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग मोड पर डाल देते हो या फिर इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई कर देते हो, देखना मैं प्ले करूँगा एक लेटेंसी देखने को मिलेगा आपको। एक बार गाने पर प्ले करता हूँ अगेन, यहाँ पर इस EQ को हम अपने ट्रैक पर लेकर डालते हैं, स्पेस बार हिट करूंगा, 1 2 3 प्ले नहीं हुआ, हल्का सा लेट हुआ। यहीं पे एक बार हम इसको मैक्सिमम करते हैं, फिर सुनते हैं, प्ले करता हूँ, प्ले कर चुका हूँ, अब प्ले हुआ, अब स्टॉप हुआ है। तो लीनियर फेज के साथ दिक्कत क्या आती है कि ये बहुत ज़्यादा लेटेंसी छोड़ता है, जिसको आप मास्टरिंग में तो यूज़ कर सकते हो बट मिक्सिंग में आप यूज़ करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, और यहीं पे लाइव परफॉर्मेंस में यूज़ करोगे तो होगी लाइव परफॉर्मेंस। और जो दूसरा डिसएडवांटेज है हमारा लीनियर फेज मोड के साथ वो ये है कि एक बार मैं एक बहुत ही लाउड हमारा बेल फिल्टर को क्रिएट करता हूँ और एक बार इसको किक पे डालते हैं, तो जब भी आप लीनियर फेज प्रोसेसिंग मोड को यूज़ करोगे तो एक प्री रिंगिंग इफेक्ट आएगा। सुन के देखो एक बार जीरो लेटेंसी पर डालते हैं, ठक 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 ठक, एक बार लीनियर फेज पर डालते हैं, हाई करते हैं, वो सुनाई दे रहा होगा। इसको मैं एक बार और इंक्रीज करता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको जीरो लेटेंसी पर डालते हैं, लीनियर फेस वो ऐसे सुनाई दे रहा है वो। और यहीं पे अगर मैं इसको फ्रीज करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा किक के अंदर, दो यहां पे हमने कोई साउंड ऐड नहीं करी थी बट फिर भी एक प्री रिंगिंग इफेक्ट आ गया। इसलिए लीनियर फेस को आप लीस्ट यूज करना मिक्सिंग के अंदर, और लीनियर फेस को कभी भी लाइव परफॉर्मेंस में मत यूज करना, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। डेफिनेटली आप लीनियर फेस मोड को मास्टरिंग में यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एक बार आप लास्ट में अप्लाई करने वाले हो आपके ट्रैक के ऊपर, और अगर आपको कुछ भी लो फ्रिक्वेंसीज के अंदर मिड फ्रिक्वेंसीज में चेंज करना हो तो आप चेंज करो, बहुत ही सटल, क्योंकि हम चेंज करते हैं ना, तो ऐसे इतना ज्यादा प्री रिंगिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं। इतना ज़्यादा प्री रिंगिंग इफेक्ट क्यों आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर रहा था, इसलिए मोस्टली इंजीनियर्स मास्टरिंग के टाइम लीनियर फेज मोड को यूज़ करते हैं। तो एनालाइजर के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो बटन देखने को मिलेंगे, प्री और पोस्ट। तो बेसिकली जब भी आप EQing करते हो तो EQing करने से पहले और EQing करने के बाद, तो जो पहले है वो है प्री, जो है पोस्ट वो है बाद में। तो अगर आप पोस्ट को ऑफ कर दोगे और पहले को भी ऑफ कर दोगे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो प्ले करके देखो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। बट अगर मैं प्री को ऑन करता हूँ तो अब जो ग्राफ दिखेगा वो है EQing करने से पहले का ग्राफ, बट अगर मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो EQing करने के बाद कैसा दिखेगा वो नहीं दिख रहा, उसको देखने के लिए हमें पोस्ट बटन ऑन करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि प्री ऐसा था, पोस्ट ऐसा है, अच्छा इतना डिफरेंस आया। तो प्री क्या है पहले और पोस्ट क्या है बाद में, EQing करने से पहले और बाद में। यहाँ पे आपको राइट साइड नाम दिख रहा होगा, इसने बेसिकली जो भी हमारा ट्रैक का नाम था वो ले लिया है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और अपने FabFilter Pro Q3 के इस इंस्टेंस को भी नेम कर सकते हो, जैसे मास्टरिंग फॉर सन की,
ऐसे चूज कर सकते हो। अब इसको करने से आपको जस्ट थोड़ी देर में समझ में आएगा कि अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रो क्यू थ्रीज हैं तो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, और जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे और हर एक प्रो क्यू थ्री का एक नाम होगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब एनालाइजर विंडो के अंदर आपको एक और बटन देखने को मिलेगा जो कि फ्रीज बटन। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे और आप गाना बंद भी कर दोगे तो भी आप एनालाइज कर सकते हो वो विजुअल्स रुक गए वहीं पे, फ्रीज हो गए कि अच्छा इसमें इतने हाईज जा रहे थे इतने लोज थे। जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्री और पोस्ट समझाने के लिए भी फ्रीज बटन को यूज करा था। और इसी के जस्ट आगे एक और बटन है जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम ग्राफ। अगर आप इसको ऑन कर देते हो और मान लो अब मैं क्या करता हूँ अपने माउस को जस्ट यहाँ पे ला के रख देता हूँ और बीट को प्ले करता हूँ। एनालाइजर को बंद कर देते हैं, जस्ट माउस यहाँ पे ला के रख देता हूँ तो आपको ये पर्पल सा कलर सा दिख रहा होगा और आपको जितनी भी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसीज थी वो उसने मार्क कर दी कि ए शार्प 1, ए शार्प 3, सी शार्प 5, जी शार्प 7, ये सारी फ्रिक्वेंसीज को मार्क कर दिया। और मैं यहाँ से किसी भी फ्रिक्वेंसी को पकड़ के हल्का सा डक कर सकता हूँ कि यार यहाँ डक कर देता हूँ, ताकि बीच में हाई हो गए बजता रहूँ मैं, ए मेरा तो हाई नहीं पाई नहीं लोग मुझे छू मैं शाइन नहीं शाइन करे, मेरा मुंह दिखता सबको पर छू नहीं सकता कोई, मैं नहीं हूँ ये मेरा भूत है लेकिन मेरा ऊपर है आई एम डक से मौत को छू गए, मेरा हर गाना ब्लू पर रहता हवा में पर मैंने नहीं सुपर है रैप की। बस आपको माउस रखना है यहाँ पे, ग्राफ अपने आप आ जाएगा, यहाँ से आप डक कर सकते हो। तो इससे आप रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी ढूंढ सकते हो आपके जो भी ट्रैक के अंदर है और आप यहाँ से उसको कट कर सकते हो, और अगर आप इसको ऑफ करना है तो आप यहाँ से डेफिनेटली ऑफ कर सकते हो। तो स्पेक्ट्रम ग्राफ बहुत ज़्यादा काम में आता है जब भी आपको अपने पूरे गाने के अंदर जो जो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसीज हैं उनको ढूंढना हो और फिर हल्का सा डक करना हो, जस्ट प्ले करो, अपना माउस रख दो, वो डॉट्स बनाएंगे उस पर क्लिक करो और डक कर दो। और नेक्स्ट बटन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है शो कोलिजन। तो बेसिकली मान लो आपने फाब फिल्टर प्रो क्यू थ्री अपने वोकल्स पर लगाया हुआ है और अपने फाब फिल्टर प्रो क्यू थ्री आपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भी लगाया हुआ है, और आपको एक ही साथ देखना है कि वोकल की जो फ्रिक्वेंसीज हैं और जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसीज हैं वो कैसे झगड़ रही हैं साथ में, तो आप एक ही क्लिक में देख सकते हो। उसके लिए हम एक और प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक वोकल्स के ऊपर प्रो क्यू थ्री अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर जाते हैं उसके इंस्टेंस को रीनेम कर देते हैं मेन वॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और इंस्ट्रूमेंट के पूरे जो लाइक हमारा इंस्ट्रूमेंट का पूरा ग्रुप है उस पर जाते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं मेन इंस्ट्रूमेंट। वैसे तो आपने बाय डिफॉल्ट देखा होगा जो भी हमारे ट्रैक का नाम था वो उसको ले लेता है, बट इसको हम अगर मैं खुद से रीनेम कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा। ऐसे ही आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपने जो प्रो क्यू थ्री डाला है उस पर क्लिक करो और उसके एनालाइजर में जाओ और मेन वॉक्स चूज कर दो, तो अब क्या होगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो EQ लगा हुआ है उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसीज भी दिखेगी जो वोकल्स में आती हैं। अभी रेड कलर से क्या दिख रहा है, वोकल, क्योंकि ये EQ जो मैंने खोला हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट का EQ खोला हुआ है। ये देखो इंस्ट्रूमेंट ग्रुप के ऊपर ये EQ लगा हुआ है, ये खोला मैंने और यहाँ से जाके एक्सटर्नल स्पेक्ट्रम ऑफ नहीं, मैंने मेन वॉक्स वाला चूज कर दिया जो कि ये है हमारे मेन वॉक्स पे जो ये लगा हुआ है। देखो मैंने इसको रीनेम करा था मेन वॉक्स। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैं यहाँ से फिगर आउट कर सकता हूँ यार ये रेड कलर का वोकल है और ये ग्रे कलर का इंस्ट्रूमेंट है, तो ग्रे कलर की ये जो फ्रीक्वेंसीज है अगर इंस्ट्रूमेंट से थोड़ी कम हो जाएगी तो वो वोकल से फाइट नहीं करेगी। तो बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कहाँ कहाँ फ्रीक्वेंसीज क्लैश कर रही है, कहाँ कहाँ मास्किंग हो रही है, उसको फिक्स कर सकते हो। इसी से रिलेटेड हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई है, यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इसको आप कैसे अपने गाने के अंदर यूज़ कर सकते हो। यहीं पर अगर आप वोकल्स के ऊपर प्रो क्यू थ्री नहीं डालना चाहते और चाहते हो डायरेक्टली वोकल से एक इन्फॉर्मेशन लेके इंस्ट्रूमेंट में डाल दूँ बिना वोकल्स पर डाले, तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के ऊपर अपना प्रो क्यू थ्री ऐड करा है उस पर साइड चेन बटन पे जाना है, वहाँ पे चूज़ करना है मेन वोकल्स। तो इस ट्रैक को रीनेम कर लेते हैं मेन वॉक्स, इंस्ट्रूमेंट पे गए यहाँ पे ढूंढते हैं मेन वॉक्स कहाँ पे है, और अब आपको कुछ नहीं करना, शो कोलिजन वापसी से ऑन करना है और एक्सटर्नल स्पेक्ट्रम ऑफ नहीं करना, साइड चेन पे ले आना है।
अब इसके साथ बेस्ट चीज क्या, आपको रेड कलर से एक हाइलाइटेड लाइन भी दिखेगी। ये भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी झगड़ रही है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ठीक कर लो। और इसके बाद आपको एक और बटन देखने को मिलेगा जिसमें रेंज, रेजोल्यूशन, स्पीड और टिल्ट है। तो यहाँ से मैं रेंज को 60 पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे आउटपुट लेवल पे जो मीटर है उसकी रेंज चेंज हो रही है। इससे कुछ साउंड में इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे जो मीटर आपको दिख रहा है उसका रेंज चेंज हो रहा है। जैसे स्पोर्ट्स कार में मीटर 300 तक होता है, यही स्कूटी में मीटर 120 तक होता है, उस तरीके से। रेजोल्यूशन का मतलब है जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है उसके रेजोल्यूशन कैसी है। लो कर दोगे लो रेजोल्यूशन है, और अगर मैक्सिमम कर दोगे एक फ्रीक्वेंसी क्रिस्प तरीके से दिख रही है। और स्पीड को अगर आप वेरी स्लो कर दोगे तो जो मूवमेंट है, ये पूरे ग्राफ का जो रिएक्शन हो रहा है गाने को लेके, बहुत स्लो होगा। यहीं पे देखो कितना धीरे से नीचे जा रहे हैं, पर अगर मैं वेरी फास्ट कर दूंगा तो कुछ इस तरह होगा, फटाफट से गायब। इसका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है टिल्ट। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ एक बार साउंड्स को प्ले करता हूँ। एक बार ना प्रो क्यू 3 की तरफ मत देखना, सिर्फ सुनना, हेडफोन्स पहन लेना। ये साउंड इतनी ज्यादा लाउड नहीं लग रही, राइट? ये बहुत लाउड लग रही है कि यार कोई वॉल्यूम तो कम करो, बहुत चुप रहा है। बट ये इतना लाउड नहीं है, ये लाउड लग रहा है। जबकि एक्चुअल में अगर आप मीटर की तरफ ध्यान दोगे ना, तो दोनों की दोनों सेम ही लाउडनेस पे हैं। राइट साइड देखो, एबल्टन के मीटर में भी देख सकते हो, सेम ही लाउड हैं। और अगर मैं टिल्ट को जीरो कर देता हूं, तो ये फाव फिल्टर के प्रो क्यू 3 के ग्राफ में भी यही दिखा रहा है कि सेम ही लाउड है। बट क्या इसको हम लाउड परसीव कर रहे हैं? हाँ, हम हाई फ्रिक्वेंसीज को ज़्यादा लाउड परसीव करते हैं बिकॉज ऑफ फ्लेचर मंसन कर्व। जिस तरह हमारा इंसान का कान काम करता है कि हम हायर फ्रिक्वेंसी या हाई मिड फ्रिक्वेंसीज को बहुत ज़्यादा लाउड परसीव करते हैं, मतलब हमें लगता है वो लाउड है, एक्चुअल में होते नहीं है, कि हमारा कान भगवान ने इसी तरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पे टिल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट 4.5 इसलिए हो रखा होता है क्योंकि हम हाई फ्रिक्वेंसीज को हल्का सा लाउड सुनते हैं, तो उसने एक ऐसा सा शिफ्ट कर दिया है जिससे फाव फिल्टर प्रो क्यू 3 के वो ग्राफ में वो नॉर्मलाइज हो जाए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो एनालाइजर है, साउंड पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, जो एनालाइजर आपको दिखा रहा है वो बिल्कुल आपके परसीव लाउडनेस जैसा दिखाएगा। बट अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो अब देखो ये ज़्यादा लाउड परसीव हो रही है, बट एज पर मीटर ये सेम ही लाउड दिखा रहा है। ये भी उतना ही लाउड है, ये भी उतना ही लाउड है, बट लाउड परसीव तो हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 4.5 का शिफ्ट डीबी पर ऑक्टेव का रखते हैं। इसे देखो अब यहाँ पे ज़्यादा लाउड है और ये कम लाउड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहे हो कम लाउड? क्योंकि हम कम लाउड परसीव कर रहे हैं। तो टिल्ट हल्का सा डाल दिया गया है ताकि जब भी आप मिक्सिंग करो तो जो आपको ग्राफ दिखे वो बिल्कुल वैसा ही दिखे जिस तरह आप लाउडनेस को परसीव करते हो। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है EQ मैच। तो हमने एक ट्रैक को लोड करा हुआ है, मान लो ये हमारा ट्रैक है और ये हमारा एक रेफरेंस ट्रैक है जिसकी तरह हम बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, हमारे ट्रैक पे जाऊंगा, इसको रीनेम कर देता हूँ आर ट्रैक, और इसको रीनेम कर देता हूँ रेफ ट्रैक। तो हमारा रेफरेंस ट्रैक है, मेन ट्रैक पे क्लिक करा, प्रो क्यू 3 डाला, साइड चेन में चूज कर दिया रेफरेंस ट्रैक, यहाँ पे गए EQ मैच के बटन पे ऑन करा, और यहाँ पे जैसे ही मैं गाने को प्ले करूँगा तो क्या हो रहा है, दोनों गाने एक साथ प्ले हो रहे हैं। अब क्या करता हूँ, जो हमारा गाना है उसके ऊपर मैंने जो EQ डाला हुआ है उसके अंदर चूज कर देता हूँ एक्सटर्नल साइड चेन। बार 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 बार
तो बेसिकली एक EQ कर्व दे दिया है, तो हमारे गाने में जो जो फ्रिक्वेंसीज कम थी उसको थोड़ा सा बूस्ट कर दिया है, और जो जो ज़्यादा थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। EQ मैच का इन शॉर्ट मतलब ये है कि आपका जो रेफरेंस ट्रैक है और आपका जो खुद का ट्रैक है, उनकी बेस, उनके मिड्स और उनके हाइज सेम बराबर करना, इसी चीज़ के लिए आप EQ मैच को यूज़ करते हो। और सेम ही ट्रिक हमने यूज़ करी हुई है इस वीडियो के अंदर। अगर आप सीखना चाहते हो कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और अच्छे से, तो इस वीडियो को देख सकते हो। और इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो कि आपने सिद्धू मूसेवाला का कोई ट्रैक लिया, फिर आपने कोई भी अपना ऐसा रेफरेंस ट्रैक लिया जिस भी आर्टिस्ट के अंदर आप साउंड करना चाहते हो, उसे Pro Q 3 डाला, उस पर EQ मैच पे गए, इनपुट बटन पे क्लिक करा, ये पॉज हो रखा है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको यहाँ से सेव इनपुट एज ए रेफरेंस, तो मान लो मेरे को सेव करना है कि सिद्धू स्मूथ EQ प्रीसेट, तो अब क्या होगा, मैंने सेव कर लिया ये। अब अगर मैं इस ट्रैक को डिलीट भी कर देता हूँ, मेरे को इन फ्यूचर मान लो ये ट्रैक है हमारा और इस गाने को उस तरीके से बनाना है, दो मुझे बनाना नहीं बट समझने के लिए, अगर यहाँ पे EQ मैच के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को सिद्धू मूसेवाले का जो ट्रैक था 295 उसका प्रीसेट मिल गया। और जैसे मैं इसको चूज़ करूँगा तो एक EQ कर्व को बना के दे देगा कि अगर आपके गाने को सिद्धू मूसेवाला जैसा बैलेंस, उसका जो EQ कर्व है वैसा साउंड कराना है, तो इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक बाईपास बटन, मान लो आपने जो भी EQing करी है यहाँ पे, अगर आप इसको बाईपास करना चाहते हो आप इस बटन से कर सकते हो। यहाँ पे जब आप अपना माउस लेकर आओगे तो आपको बहुत सारे और कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, जैसे आउटपुट का लेवल अगर आपको हल्का सा कम करना है, बाईपास से हटाना पड़ेगा, ये भी रहोगा प्री, पहले इतनी लाउडनेस की बाद में इतनी होगी, बूस्ट भी कर सकते हो 0, यहाँ से आप पैन भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको तीन और बटन देखने को मिलेंगे, इसमें से सबसे पहला है फेज इनवर्ट, तो आपकी जो भी वेव फॉर्म बन रही होगी आपके पूरे गाने की, उसकी वेव फॉर्म को जैसे ये उल्टा कर देता है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और फिर एक बार हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके फ्रीज करते हैं और नीचे डालते हैं, तो आप देखोगे जो ऊपर साइकिल बन रही थी पहले, जो ऊपर जा रही थी फिर नीचे जा रही थी, अब वो नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, तो आपके पूरी की पूरी जो इमेज है आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, जस्ट उल्टी कर दी है, उसको फेज इन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे आपको एक और बटन देखने को मिलेगा ए से, जो कि है ऑटो गेन, जैसे आप इसको ऑन कर दोगे, मान लो आपने हल्की सी भी कुछ भी एडिटिंग करी, वॉल्यूम को कम करा आपने हाई फ्रिक्वेंसीज से, मिड फ्रिक्वेंसीज से, तो क्या होगा, आपका ओवरऑल जो आउटपुट है वो नीचे आ जाएगा। एक बार इसको ऑफ करते हैं और फिर देखते हैं, आपका जो आउटपुट लेवल है वो काफी कम हो चुका है। और यहीं पे अगर मैं ऑटो गेन को ऑन कर देता हूं तो एक बार आउटपुट मीटर को देखना, वो कोशिश कर रहा है वो उतनी ही लाउडनेस रिटेन रखे जितनी पहली थी। अगर ऑटो गेन ऑफ कर दूंगा तो हल्का सा वॉल्यूम कम हो गया, यहीं पे अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम का रिडक्शन हो चुका है। ऑटो गेन ऑन करते उसकी फिर से वॉल्यूम बढ़ा देगा जितनी इनपुट पर थी। और फिर आपको एक और लास्ट में बटन देखने को मिलेगा जो जिससे आप टॉगल कर सकते हो अपना आउटपुट लेवल मीटर को, और यहाँ से भी बेसिकली आप गेन को बढ़ा सकते हो और गेन स्केल को छेड़ सकते हो। और फिर आखिरी में आप यहाँ से अपने FabFilter Pro Q 3 को स्केल भी कर सकते हो, आप मिनी क्लिक करोगे तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, स्मॉल में छोटा रहेगा, मीडियम में मीडियम साइज़ का, और वेरी लार्ज पे वापसी से बड़ा हो जाएगा। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इस बटन से वो फुल स्क्रीन मोड पे आ जाता है।
ऑलराइट गाइस, तो वी होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा कि एक एक फैब फिल्टर प्रो क्यू 3 की नॉब कैसे काम करती है। और अगर वीडियो बढ़िया लगी है ना तो नीचे होगा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको ठोक के फटाफट से ग्रे कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। इसी के साथ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, तो हमारी वेबसाइट आ रही होगी basila.in, जाके चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। We've been watching this show so long, but it feels like everything that we wrote went back into the Bentley used.